सो हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल MDM टेक टू विजन में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो का टॉपिक है, यहाँ पे DD3D का एक सेटअप बॉक्स है। सेटअप बॉक्स में आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे यहाँ पे कभी कभी जीरो दिखाई दे, कभी यहाँ पे बंद हो जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑन ऑफ हो रहा है, कभी यहाँ पे जीरो भी आ सकता है। तो ये सेटअप बॉक्स हमारा है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे जीरो डॉट जैसा यहाँ पे डिस्प्ले में शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये पावर सप्लाई कुछ प्रॉब्लम है सेटअप बॉक्स में, ओनी का सेटअप बॉक्स है। कभी कभी यहाँ पे जो डिस्प्ले पे वन दिखाई दे पड़ रहा है, कभी कभी जीरो दिखाई दे पड़ रहा है, ऐसे कुछ ऑन ऑफ हो रहा है, कुछ ऐसी तरह से यहाँ पे डॉट दिखाई, क्योंकि ऐसी तरह से वीक सिग्नल आता है। तो इसमें यहाँ पे सेटअप बॉक्स में आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा पावर सप्लाई है, ये हमारा कार्ड है जो मदर कार्ड है जो DD3D सेटअप बॉक्स में, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जैसे जैसे यहाँ पे डिस्प्ले वन शो कर रहा है, अच्छी तरह से वर्किंग नहीं कर रहा है, वीक सिग्नल आ रहा है डिस्प्ले, तो इस पावर सप्लाई में ये जीरो वन का प्रॉब्लम है। वो कैसे दूर करें इसके लिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा ही टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो आपको यहाँ पे दो ही जगह टेस्ट करने का पावर सप्लाई है, और ये यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे एक मदर कार्ड है। इसका पहले हम सबका वोल्टेज टेस्ट करेंगे। यहाँ पे ये हमारा पावर सप्लाई, पावर सप्लाई में यहाँ पे जो ये केबल जा रहा है, या पावर सप्लाई में से यहाँ पे मदर कार्ड में ये केबल जा रहा है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ सॉकेट की जगह यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे कौन कौन सा वोल्टेज टेस्ट करना है देख लीजिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 5 वोल्ट है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अच्छी तरह फोकस करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट ग्राउंड, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट ग्राउंड और 3.3 वोल्ट, इतना वोल्ट हम यहाँ पे पावर सप्लाई में से हम इस मदर कार्ड को सॉकेट थ्रू हम यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये जीरो वाला जो प्रॉब्लम आता है, वीक सिग्नल का प्रॉब्लम आता है, वो हमारा 3.3 वोल्ट यहाँ पे अच्छी तरह से आना चाहिए। तो ये 3.3 वोल्ट यहाँ पे आता है, वो कार्ड को पूरी तरह से ऑपरेट होता है। यहाँ पे मेमोरी IC मदर कार्ड में जो ये प्रोग्राम IC में यहाँ पे 3.3 वोल्ट जाता है, तो 3.3 वोल्ट चेक करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, सभी वोल्टेज हम मल्टीमीटर एक बार टेस्ट करेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो है सेटअप बॉक्स में ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे यहाँ पे डिस्प्ले कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती, कभी कभी देख सब ब्लिंकिंग हो रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम। तो मैंने बताया था यहाँ पे 5 वोल्ट है, पावर सप्लाई में से आउटपुट होता है 5 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। जैसे यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रहा है, जब ब्लिंकिंग हो रहा है तो पावर सप्लाई 3.3 वोल्ट है। तो 3.3 वोल्ट वाला यहाँ पे देख सकती हो कि ये पॉइंट 3.3 वोल्ट है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर से इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ, फिर ग्राउंड कर दिया तो यहाँ पे ये वाला 3.3 वोल्ट फर्स्ट नंबर की पिन से आना चाहिए। यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है कार्ड पे कभी कभी प्लस माइनस होता है, 3.2.6 ऐसे फ्लक्चुएशन आता है, देख सकते हो वेरिएबल वोल्टेज वेरी हो रहा है, 2.8 वोल्ट। कभी यहाँ पे 3.3 वोल्ट कंपलसरी आना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड ऑपरेट करने के लिए 3.3 वोल्ट आना जरूरी है। तो यहाँ पे वोल्टेज कम है, यही 3 वोल्ट यहाँ से आता है, देख सकते हो यहाँ पे 3.4 सही आ रहा है, लेकिन जो इस केबल में जो प्रॉब्लम है, तो ये वाला केबल में से ये वाली जो पाइप हमारे यहाँ पे जो केबल है, इस केबल में से कुछ रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस लॉस होने से यहाँ पे वोल्टेज सही तरह से कार्ड में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो, मैं आपको ये वाला केबल है, ये वाला केबल देख सकते हो केबल में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे वही केबल का सॉकेट में यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहा है मल्टीमीटर में से, आप देख सकते हो, लेकिन वही केबल में से यहाँ पे वोल्टेज कभी कम आ रहा है, 3.1 आ रहा है, यहाँ पे 3 वोल्ट कंपलसरी आना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से ये वाला केबल यहाँ से कट कर देना है और दूसरा केबल लगाना है। तो कटर से पहले मैं ये वाला केबल यहाँ से भी कट कर देता हूँ मैं, और यहाँ से भी मैं कट कर देता हूँ, देख सकते हो ये केबल मैंने निकाल दिया है और दूसरा केबल में लगा के आपको एक बार बताऊँगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3.3 वोल्ट का जो केबल यहाँ पे खराब हुआ था, जो रजिस्टर कम हो जाएगा, इसकी जगह यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दिए पूरा ग्रीन वाला केबल मैंने लगा दिया, जो पावर सप्लाई में यहाँ पे आउटपुट 3.3 वोल्ट जहाँ से आ रहा था, यहाँ से मैंने अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर दिया है 3.3 वोल्ट, और यहाँ पे वही केबल यहाँ पे जो कार्ड में जो लगता था, जो कार्ड में भी मैं यहाँ पे कार्ड में जहाँ पे 3.3 वोल्ट लगता था, इसकी जगह मैं यहाँ पे पीछे से सोल्डर कर दिया है,
अब देख सकते हो बताने का मैं कोशिश कर दो, ये वाला ग्रीन वाला यहाँ पे 3.3 वोल्ट का मैंने सोल्डरिंग कर दिया है, क्योंकि अच्छी तरह से सोल्डरिंग होने से फ्लक्चुएशन ना है वोल्टेज में, 3.3 वोल्ट अच्छी तरह मिल जाए। तो यहाँ पे दोनों में यहाँ पे अच्छी तरह से सोल्डर मैंने कर दिया है। और आपको एक बार वोल्टेज टेस्ट कर देखेंगे, जहाँ पे 3.3 वोल्ट इसकी जगह मैंने नीचे से सोल्डर कर दिया है, और मदर कार्ड में भी नीचे से मैंने सोल्डर कर दिया है। तो मल्टीमीटर से दोनों का वोल्टेज देखेंगे हम। तो जैसे यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है, जैसे ऑन करने से आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी शो कर रहा होगा कि जैसे डिस्प्ले पे भी यहाँ पे ऑन हो गया, देख सकते हो अच्छी तरह से पूरी डिस्प्ले आ गई है। ये चैनल नंबर है 081 चैनल नंबर है। यहाँ पे वोल्टेज एक बार टेस्ट करेंगे हम मल्टीमीटर से। तो ग्राउंड वाला प्रॉब मैं यहाँ पे ग्राउंड पे कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे वोल्टेज आ रहा था 3.5 वोल्ट आ रहा है, जैसे यहाँ पावर सप्लाई 3.5 वोल्ट आ रहा है अच्छी तरह से, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा था जैसे केबल का प्रॉब्लम होने से। यहाँ पे मैंने नीचे से अच्छी तरह सोल्डर कर दिया है, आप भी देख सकते हो यहाँ पे 3.6 वोल्ट अच्छी तरह से वोल्टेज आ रहा है। जो 3.3 वोल्ट 3.6 वोल्ट अच्छी तरह से वोल्टेज मिल रहा है कार्ड को। ऐसे कार्ड को अच्छी तरह से वोल्टेज मिलने से आपका चैनल में टीवी पे वीक सिग्नल नो सिग्नल का प्रॉब्लम नहीं होगा, रिसीवर ऑटो रिस्टार्ट नहीं होगा। और आपको यहाँ पे जीरो डिस्प्ले शो हो रहा था, जीरो ऐसे फ्लक्चुएशन भी नहीं आएगा। तो इस वीडियो में आपको देख के पता चल गया होगा कि यहाँ पावर सप्लाई में से जो वोल्टेज 3.3 वोल्ट था, 3.3 वोल्ट यहाँ से अच्छी तरह से नहीं मिल रहा था कार्ड को। इस तरह से यहाँ पे जो अलग अलग प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए वोल्टेज प्रॉब्लम होने से आपको यहाँ डिस्प्ले भी प्रॉब्लम हो रहा था, टीवी में नो सिग्नल वीक सिग्नल ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों ये प्रॉब्लम ज़्यादातर डिश टीवी में सेटअप बॉक्स में ज़्यादा तरह से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3.3 वोल्ट जो होता है, 3.3 वोल्ट इस कार्ड को ऑपरेट करने के लिए 3.3 वोल्ट ज़्यादा यूज होता है। दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूँ मेरा वीडियो देख के आपको अच्छी तरह इसमें कुछ आपको सुझाव लग रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। दोस्तों उम्मीद रखता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारा जय हिंद जय भारत।